थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है. नाम आया है, ये नाम लास्ट ईयर नवंबर 1 को दर्ज हुआ है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में. सो पहले तो आई विल बी थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर्स, माई डायरेक्टर्स हु बिलीव इन माई कास्टिंग एबिलिटीज़, एंड माई कास्टिंग टीम, माई वाइफ हु ऑलवेज सपोर्ट मी इन कास्टिंग. जो अच्छे ऑडिशंस करते हैं, अच्छे एक्टर्स को सामने लेके आते हैं, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और फाइनली दे गेट कास्टेड. कास्टिंग सेंस, अच्छे एक्टर्स आपके टच में हो, उनका अच्छे से ऑडिशन हो, वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए जाएँ. आप किसी भी एक्टर को एक मुलाकात में या एक सीन देकर उसे ये नहीं जान सकते कि ये कैसे एक्टिंग कर सकता है. उसे वो सीन समझाना पड़ता है, उसे करेक्टर की रूट्स में लेके जाने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर की भी काफ़ी हेल्प लगती है, जिसने वो डायरेक्टर के साथ बैठकर समझा होता है कि ये सीन क्या है, ये डायरेक्टर चाहता क्या है, ये रोल क्या है, और इसमें डिलीवरेबल्स क्या हैं, ये एक्टर क्या पहनेगा, ये कैसा बोलेगा, ये किस बैकग्राउंड का है. सबसे ज़्यादा मज़ा आया फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, एक मूवी अभी कास्ट की है, जिसमें नंदी संधू हैं, जिमी शेरगिल जी हैं, माही गिल हैं, मनोज पावा जी हैं, पवन मल्होत्रा हैं, एक छोटी लड़की है शिविका ऋषि, अभी उसमें आ रही है. देन उसमें मुकेश तिवारी जी हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, सुप्रिया पिलगांवकर जी हैं. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्टिंग थी. इसमें बेस्ट पार्ट था कि हमने 102 आर्टिस्ट यूपी से लिए. मींस जो हमने स्पोर्टिंग कास्टिंग की है, जो प्रोमिनेंट कास्टिंग की है, ये सब कलाकार यूपी के रहने वाले हैं. और बेस्ट पार्ट है कि इनमें से कुछ कलाकार तो कभी बॉम्बे आए ही नहीं. सो दे आर बेस्ड ओवर देयर, दे कम टू मुंबई फॉर वर्क, और कुछ ने तो बॉम्बे देखा ही नहीं है. सो दिस वॉज इंटरेस्टिंग टू गेट कास्टिंग फ्राम यूपी, और वो एक्टर जो वहाँ की भाषा बोल सकते हैं, वहाँ की शैली जानते हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कास्ट करना और कुछ न्यू कमर्स को लेना. सो 102 एक्टर्स हैं इसमें. तो दिस वॉज रियली इंटरेस्टिंग टू गेट ऑल द एक्टर्स ऑन बोर्ड. सबसे मुश्किल कास्टिंग, अभी एक फिल्म आई है मिस्टर एंड मिसिज 420 रिटर्न्स. ये एक पंजाबी फिल्म है, फिल्म अच्छी निकली है, ब्लॉकबस्टर हुई है. तो इस फिल्म की कास्टिंग इंटरेस्टिंग भी थी और टफ भी थी. इसमें दो गर्ल्स हैं, वंतिका हुंडल एंड पायल राजपूत. सो पायल का पोर्शन वाज ए डिफ़िकल्ट वन, कारण कि वी वांटेड ए फेस जो अच्छा हो, जो लगे कि लाइक हु शुड फिट द बिल, जो पंजाबी ऑडियंस एक्सेप्ट भी करती हो, और यू नो इट वाज गुड. ओवरऑल इट वाज गुड. हाँ, थोड़ी ट्रबलसम थी, बट इट वाज गुड. या